सिर्फ कनातीरिल मुकंतरति का खजाने जमा किए हुए, मिन जहाबी सोने के, वल फिज्जा और चांदी के, जुयीना मुजयन की गई है, लिन्नास लोगों के लिए, हुब्बु शहावाती मरगूबात की मोहब्बत, मिनन्नासी जैसे औरतें, वल बनीन और बेटे, वल कनातीरिल मुकंतराती और जमा किए हुए खजाने, मिन जहाबी सोने के, वल फिज्जती और चांदी के, वल खैलिल मुसव्वमती और घोड़े निशान लगे हुए, खैल घोड़े, मुसव्वमा निशान लगे हुए, निशान ज़दा घोड़े, वो घोड़े जो मुकाबले में दौड़ाए जाते हैं, जिन पर मखसूस निशानियां लगा दी जाती हैं, बाज़ मरतबा उन पर मखसूस किस्म के निशान लगा दिए जाते हैं, नस्ली घोड़े, और मौजूदा ज़बान में अगर कहा जाए तो नए नए मॉडल की गाड़ियाँ, नए नए मॉडल की गाड़ियाँ, जैसे दुबई में हर साल और दुनिया के दीगर ममालिक में चमचमाती हुई गाड़ियों की नुमाइश होती है, वो निशान ज़दा घोड़े हैं मौजूदा दौर के। वल अनआम और चौपाए मवेशी, वल हर्ष और खेती, अल्लाह ताला फरमा रहा है इन चीज़ों की मोहब्बत हमने मरगूब कर दी है, इन चीज़ों की मोहब्बत हमने दिल में बसा दी है, मरगूबात की मोहब्बत। वो औरतें हैं, बेटे हैं, खजानों के ढेर हैं, सोने चांदी के और निशान ज़दा घोड़े, चौपाए और खेती, इन चीज़ों की मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिलों में बिठा दिया है। एक तो इसलिए कि दुनिया का निज़ाम चल सके, दुनिया का निज़ाम कायम रहे। अगर इन चीज़ों की मोहब्बत दिल में ना होती, हर आदमी लाताल्लुक़ हो जाता चीज़ों से, तो कायनात का निज़ाम ना चल सकता। अब हर इंसान के दिल में इन चीज़ों की मोहब्बत मौजूद है, तो हर आदमी हासिल करने की कोशिश में है, दुनिया आबाद है। अगर किसी के दिल में औरत की मोहब्बत भी ना होती, बेटों का चाहत भी ना होती, खजानों से भी लाताल्लुक, तो सारी दुनिया पागलों की दुनिया होती या दरवेशों की दुनिया होती, कि किसी भी चीज़ की तरफ रग़बत ना होती, तो ये दुनिया आबाद ना होती, ये दुनिया एक जंगल का समा पेश करती। दूसरा इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसको आजमाइश बनाया है, एक तो दुनिया की आबादकारी मतलूब थी, दूसरा ये इंसानों के लिए आजमाइश का जरिया है। इन्ना जअलना मा अल अर्ज़ ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हमने ज़मीन के ऊपर जो चीज़ है इसको जीनत बनाया है आजमाइश के लिए, ताकि जान सकें कि सबसे बेहतर अमल कौन करने वाला है। इन चीज़ों की मोहब्बत गलत नहीं है, लेकिन जब एतदाल से बढ़ जाए, नाजायज़ में दाखिल हो जाए, तो फिर गलत है। अगर ये चीज़ें दीन के रास्ते में रुकावट बन जाएं, तो ये दुनिया है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुनिया मलऊना व मलऊनु मा फीहा, दुनिया मलऊन है और जो इसमें है वो भी सारा का सारा मलऊन है, सारी दुनिया मलऊन। क्या मतलब इस मलऊन होने का? जब ये दीन के रास्ते में रुकावट बन जाए। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया अद्दुनिया जीफा व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है, इसके तलब करने वाले कुत्ते हैं, दुनिया मुर्दार है, इसके तालिबीन कुत्ते हैं। क्या मतलब? तालिब फरमाया, कासिब नहीं फरमाया।
तालिब तलब करने वाला, कासिब कमाने वाला, कमाने वाला गलत नहीं है, तालिब गलत है। तालिब किसे कहते हैं? जिसके जो दीन के तकाज़ों को पामाल कर दे दुनिया के लिए, यानी दुनिया जिस्म के बजाय दिल में बैठ जाए। जब तक दुनिया जिस्म पर है, ये दुनिया ये इंसान के लिए नफा बख्श है। जब ये दिल में बैठ जाए तो फिर इंसान के लिए बर्बादी का सबब है। कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती, लेकिन पानी कश्ती में दाखिल हो जाए तो कश्ती गर्क हो जाएगी, कश्ती डूब जाएगी। इंसान दुनिया के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन दुनिया दिल में बस गई तो इंसान की ज़िंदगी उजड़ जाएगी। तो ये आजमाइश है। और अल्लाह ताला ने तरतीब भी वही रखी जैसे जैसे इंसान के लिए दुनिया आजमाइश बनी हुई है। सबसे पहले औरतों का जिक्र है। जेलों में जाके देखें, 70% से ज़ायद कैदी वो हैं जो किसी न किसी वजह से, औरत की वजह से जेल में गए। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत की इसमें गलती है, औरत की गलती नहीं होती बाज़ मरतबा, लेकिन वो बुनियाद बन जाती है। अन्निसाउ हबाइलु शैतान, औरतें शैतान का जाल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि औरत खुद जाल बनती है, गलत है। मतलब शैतान औरत के ज़रिए से इंसान को वरगलाता है। मिसाल के तौर पर किसी ने किसी की बहन के नाम पर गाली दे दी, किसी को, बहन घर में बैठी हुई है, वो बाज़ार में बैठे हुए हैं, और उसने माँ का नाम लेके या बहन का नाम लेके या बीवी का नाम लेके या उनकी तरफ इशारा करके कुछ बुरा कह दिया, वहीं लड़ाई हो गई। अब उन बेचारियों को तो पता भी नहीं है, वो तो घर में है। तो बाज़ मर्तबा औरत ऐसे ज़रिया बन जाती है कि शैतान उसको, इंसान को गुमराह करता है औरत के ज़रिए से दूसरे इंसान को। औरत उसमें कोई कसूरवार नहीं। जब ये कहा जाता है कि 70% से ज़ायद मुकदमात औरतों की वजह से हैं, तो औरतें समझती हैं कि हमारी बुराई हो रही है, ये मतलब नहीं। औरतें, और इसमें औरत के लिए एक बात मुस्बत भी है कि वो इतनी अहम चीज़ है कायनात की कि अल्लाह ताला ने मरगूबात में सबसे पहले इसका जिक्र किया है। ये कितनी बड़ी बात, मरगूबात में सबसे पहले इसका तज़किरा है। बेटों का तज़किरा बाद में है, औरत का पहले। ज़ाहिर बात है कि औरत होगी, बीवी होगी, तो औलाद होगी, बेटे होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ औरत, फिर बेटे, तीसरे नंबर पर हैं सोने चांदी के ढेर। ये अफराद के लिए भी मतलूब, कौमों के लिए भी। दुनिया में रेस लगी हुई है कि किसके पास कितने सोने चांदी के ढेर हैं। आप देख रहे हैं आजकल सोना कितना महंगा हो गया। औरतों के तो बेचारियों के लिए मसाइल खड़े कर दिए। सोना इतना महंगा हो गया है, वो चंद हज़ार होता था चंद साल पहले, अब वो 1.25 लाख से भी ऊपर पहुंचा हुआ है। इस वक्त दुनिया में पहले औरतों की रेस लगी होती थी सोने चांदी खरीदने में, अभी मर्दों की लगी हुई है, हुकूमतें खरीद रही हैं। किसके पास कितना सोना है, ढेर लगा रहे हैं, क्योंकि मईशत की असल बुनियाद सोना चांदी ही है। दुनिया में सबसे बड़ा ज़खीरा तो इकट्ठा किया हुआ है दुनिया के सबसे बड़े बदमाश अमेरिका ने। यह आलमी गुंडा है, जिस तरह गलियों गलियों में, देहातों में, शहरों में होते हैं ना, हर शहर में कोई बड़ा बदमाश होता है, फिर मोहल्लों में होते हैं, देहातों में होते हैं, कस्बात में होते हैं, तो पूरी दुनिया का भी एक आलमी गुंडा है, पूरी दुनिया का गुंडा बदमाश, उसका नाम है अमरीका। उसने नौकर चाकर रखे हुए हैं अपने, उसके नौकरों में सबसे बड़ा नौकर नौकरानी है अक़वाम-ए-मुत्तहिदा।
और जब कोई बदमाश हो जाता है तो उसके करतूत भी बुरे हो जाते हैं, तो उसके नाजायज ताल्लुकात वो हैं, उसकी नाजायज औलादें इसराइल। और जर खरीद गुलाम हिंदुस्तान और फिर अरब ममालिक। 8,000 टन सोने के जखायर हैं अमेरिका के पास, 8,000 टन अमेरिका के पास। दूसरे नंबर पे जर्मनी है 3,000 टन, फिर इटली का नंबर आता है 2,000 टन, फिर चाइना है, रूस 2,000, 2,000 वाले कुछ ममालिक हैं, फिर चाइना है 1,900 यानी 1,900 टन के बराबर सोना। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा वही ख़रीद रहा है। भारत के पास 600, कुछ ममालिक के पास 500, कुछ के पास 700, हमारा बेचारा पाकिस्तान 64 टन सोना चांदी इसके पास। ये जमा करा दो इस पाकिस्तान के ख़जाने में, तमाम पाकिस्तान की ख़वातीन सोना। ये बेचारा गरीब मुल्क है, हुक्मरानों ने इसे लूटा ना होता तो आज पाकिस्तान एशिया में सबसे ताकतवर मुल्क होता। ये चंद खानदान हैं, लोग इनको इस बात को सियासत समझते हैं, ये हकीकत है। चंद खानदानों ने पिछले 25-30 सालों में इस मुल्क को इतना खाया है, इतना लूटा है कि 20-21 करोड़ इंसानों के मुजरिम हैं ये लोग। यहाँ कोई जमाती वाबस्तगी की बात नहीं है, ना हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक है, ये हकीकत है। इतना लूटा गया, इतना लूटा गया कि मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, हर शोभा बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी ज्यादती जो हुई वो तालीम के मैदान में, नस्लें बांझ हो गईं। जिस औरत के यहाँ, बेचारी के यहाँ औलाद ना होती हो, उसके यहाँ कितने मसाइल होते हैं। वो मर्द जिसकी नस्ल मिट जाए वो कितना फिक्रमंद होता है, और भी उसके लिए दुआ करते हैं, सारा मुआशरा उसके ऊपर तरस खाता है। यह मुल्क बांझ हो चुका कि नस्लें परवान चढ़ती हैं तालीम के जरिए से। अगर इन्होंने सब कुछ का बेड़ा गरक कर दिया होता, लेकिन हमारी नस्लों को बर्बाद न किया होता, तालीमी मैदान में कुछ बेहतर किया होता, साइंस के मैदान में कुछ बेहतर किया होता, तो उसका फ़ायदा ये होता कि चलो सब कुछ दोबारा बन जाता। जो कुछ चंद दिमाग थे आला, वो बाहर चले गए। वो बाहर इसलिए चले गए कि मुल्क में उनको कुछ मिलता नहीं है। अगर इंसान के जिस्म में से दिमाग निकाल दिया जाए तो बाकी जिस्म तो बेकार है, वो तो पागल है। तो जिस मुल्क का दिमाग निकाल दिया जाए, वो मुल्क तो पागल है। इस मुल्क का दिमाग मुल्क में नहीं है, वो तो सारा बाहर बैठा हुआ है। अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा कारोबारी, सब बाहर चले जाते हैं। तो दिमाग बाहर है, और फिर अपने दिमागों की बुनियाद पर हम उन मुल्कों के मोहताज हो जाते हैं कि अगर हमने उस मुल्क से ऐसा कर दिया तो वो हमारे बंदे वापस कर देगा। यहाँ अचानक से बेरोजगारी हो जाएगी, 40-50 लोग वापस आ गए, 40-50 लाख लोग, तो उनको कहाँ से नौकरियाँ देंगे। यानी अब हम उन दिमागों को वापस भी नहीं ले सकते, उन हाथ पाँव को वापस नहीं ले सकते, हमारे जितने वर्कर बाहर काम कर रहे हैं। ये तो इमरान खान है। अगर इस मुल्क की हुक्मरानी इस वक्त दुनिया के किसी अजीम तरीन फातह को भी दे दी जाती तो भी मुल्क को संभालने में टाइम लगता। घरों के हालात ठीक नहीं होते चंद महीनों में और चंद सालों में, अगर बिगड़ जाएं। मुल्क तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब अंदाज़ा लगाएं आप, एक तरफ हमारा दुश्मन इंडिया है,
चार 500 600 700 टन तक सोना उसके पास, हमारे पास महज 64 टन। और इसीलिए तो हाथ बांधते हैं फिर अमेरिका के सामने कि यहां 100 भी नहीं है, वहां हजारों में बात है, 8,000 टन सोने चांदी के ढेर। वल खैलिल मुसव्वमा, निशान जदा घोड़े, चमचमाती हुई गाड़ियां, वल अनआम, चौपाए, खेती बाड़ी, वल हर्ष और खेती, इन तमाम चीजों की मोहब्बत इंसान के दिल में पैवस्त कर दी गई है, ये मरगूबात हैं। इंसान का दिल खिंचता है इन चीजों की तरफ, और सारे रोने धोने इन्हीं चीजों के तो हैं, सब कुछ इन्हीं के गिर्द घूम रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, दालिक मताउल हयाति दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का साजो सामान है। दालिक मताउल हयाति दुनिया, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, वल्लाहु और अल्लाह इंदहु उसके पास है, हुस्नुल मआब अच्छा ठिकाना, हुस्न अच्छा, मआब ठिकाना, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने साजो सामान बनाई हैं, अल्लाह के यहाँ बेहतरीन ठिकाना है। इन चीज़ों को बयान क्यों किया गया, ये बताने के लिए के हक के रास्ते में रुकावट बनने वाली बुनियादी तौर पर यह मरगूबात है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अद्दुनिया रा हुब्बु दुनिया रा सुकुल्ली खतिया, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की जड़। तो पिछली आयात के अंदर जो बात की गई थी यहूद मदीना से, और आप भी आगे भी कही जाएगी मुशरिकीन मक्का से कि तुम बाज आ जाओ, हिदायत याफ्ता हो जाओ, ईमान ले आओ, तो क्यों नहीं लाते थे, इन मरगूबात की मोहब्बत की वजह से। इंसान के दिल में इन चीज़ों की मोहब्बत पैवस्त हो जाती है और फिर हक को इंसान झुठला देता है। कुल, आप कह दीजिए, अनब्बिउकुम, क्या बताऊं मैं तुमको, बखैर मिन ज़ालिकुम, इससे बेहतर चीज़, बखैर ज़्यादा बेहतर, मिन ज़ालिकुम इससे, इन चीज़ों से ज़्यादा बेहतर चीज़ ना बताऊं। वो बता रहे हैं आगे, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, इत्तक़ौ, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ जन्नातुन बागात हैं, तजरी जारी होंगी, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, खालिदीना रहेंगे हमेशा, फीहा उनमें, व अजवाज मुतहरा और पाकीज़ा बीवियाँ, अजवाज बीवियाँ मुतहरा पाकीज़ा। एक तरफ दुनिया की मरगूबात पेश की, दूसरी तरफ बताया क्या इनसे बेहतर चीज़ें ना बताएं, वो है परहेजगारी। परहेजगारी की बुनियाद पर क्या मिलेगा, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, ऊंचाई पर बाग, नीचे पानी जारी, फिर पाकीज़ा बीवियां, व रिजवान मिन अल्लाह, और अल्लाह की रजामंदी। सारी नेमतों के बाद सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रजामंदी मिलेगी क़यामत के दिन, सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, और कुछ चाहिए, का नहीं बारी ताला, और क्या रह गया, हमारी तो सोच से चाहत से बढ़कर मिला है। फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे कि अब मैं तुमसे राजी हूँ और अब कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। अगर जन्नत में मौत होती तो इस खुशखबरी को सुनकर सारे जन्नती मर जाते, लेकिन वहाँ मौत नहीं होगी, इतनी बड़ी खुशी होगी अल्लाह की रजामंदी। क्योंकि फिर नेमतों के छीनने का डर नहीं होगा, अगर नेमतें कितनी भी ज़्यादा हों और छीनने का खौफ और ख़दशा हो तो वो नेमतों का मज़ा किरकिरा हो जाता है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला देखने वाला है बंदों को, कौन से बंदे, बंदगाने खुदा,
अल्लज़ीन यकूलूना, वो लोग जो कहते हैं बंदगाने खुदा का शेवा क्या है, शेवाए बंदगाने खुदा। अल्लज़ीन यकूलूना, वो लोग जो कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना आमन्ना, बेशक हम ईमान ले आए, फ़ग़फ़िर लना, बख्श दे हमारे लिए, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, ए हमारे रब, बेशक हम ईमान ले आए, बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को, वक़िना अज़ाबन्नार, और बचा हमको आग के अज़ाब से, वक़िना और बचा हमको अज़ाबन्नार, आग के अज़ाब से। मज़ीद फरमाया, बंदगाने खुदा कौन से हैं? अस्साबिरीन, सब्र करने वाले, मुसीबतों पर, मुश्किलात पर, इबादत के मामले में जो तकलीफ़ है उस पर सब्र करने वाले हैं। वस्सादिकीन, सच, वस्सादिकीना, सच बोलने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं। सबसे पहले तो अल्लाह की तस्दीक, अल्लाह के रसूल की तस्दीक करके, अल्लाह को एक मानकर, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करके, ये सबसे बड़ी सच्चाई है कायनात की। वलकानितीन, और इताअत करने वाले, फरमा बरदारी करने वाले, वलमुनफिकीन, खर्च करने वाले, सदका खैरात करने वाले। ये बंदगान खुदा की बात हो रही है। बंदगान खुदा कौन है? जो अल्लाह ताला से मगफिरत मांगते हैं, सब्र करते हैं, सच बोलते हैं, परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, खर्च करने वाले हैं, और एक बड़ी अहम बात, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, इस्तगफार करते हैं सहरी के वक्त। वल मुस्तगफिरीन, मगफिरत तलब करते हैं, इस्तगफार करते हैं, बिल असहार, सहरी के वक्त। बिलखुसूस सहरी का ज़िक्र किया क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कोई मगफिरत मांगने वाला कि हम उसकी मगफिरत करें, है कोई रोज़ी चाहने वाला कि हम उसके रिस्क में कुशादगी करें। अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाता है, बाबरकत वक्त है, और इस वक्त में इंसान को यकसुई बहुत हासिल होती है, यकसुई का वक्त है, और यह कि इस वक्त उठना बहुत मुश्किल है, इस वक्त उठना मुश्किल है कि नींद पूरे उरूज पर होती है, बीमार भी रात के आखिरी पहर में तकरीबन तकरीबन आंख लग जाती है उसकी भी किसी ना किसी दर्जे में। इसलिए यह वक्त आजमाइश का भी है, मशक्कत वाला। अल्लाह ताला से जब भी माफ़ी मांगी जाए अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं, लेकिन बिलखुसूस सहरी का वक्त। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जब ख़ता की, याकूब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादती की, बाद में जब सारे मामलात वाज़े हो गए तो हज़रत यूसुफ़ याकूब अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा, जी हमारे लिए आप अल्लाह ताला से मगफ़िरत मांगें कि हमसे हमारे भाई के मामले में बड़ी ज़्यादती हुई। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा सहरी के वक्त, यही फरमाया था, सहरी का इस्तग़फ़ार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा में दो आलिम आए, और मदीना मुनव्वरा को जब उन्होंने देखा तो उनको, वो बड़े आलिम थे और यहूदियों के आलिम थे, तो उन्होंने जब सरजमीन मदीना को देखा तो कहने लगा, ये तो लगता है कि ऐसी सरजमीन है जहां पर नबी आखिर उस जमान आएंगे। फिर उनको पता चला कि यहां पर कोई बुजुर्ग हैं, लोग उनको नबी कहते हैं। इन्होंने कहा चलना चाहिए, चले गए। हुजूर से जाके पूछा, जी आप नबी हैं? कहते हाँ। आप मोहम्मद हैं? कहते हैं हाँ। आप अहमद हैं? कहते हैं हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहने लगे कि अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो आप हमारे एक सवाल का जवाब दें, अगर आपने ठीक जवाब दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। कहा पूछो।
कहा कि सबसे बड़ी शहादत क्या है, सबसे बड़ी गवाही, सबसे बड़ी गवाही क्या है अल्लाह के नज़दीक। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, ये सबसे बड़ी गवाही। हदीस में आता है कि उन्होंने फिर ईमान कबूल कर लिया कि वाकईतन आप अल्लाह के पैगंबर हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी सूरतुल फातिहा और आयतुल कुर्सी, बहुत तवज्जो से सुने, वजीफा है बहुत बड़ा, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और ये आयत शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला वाली आयत, ये आयत और इसी सूरत सूरह आले इमरान की आगे जो सूरह आयत आ रही है 26-27 नंबर, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, ये वाली आयत बग़ैर हिसाब इन तक, ये वाली आयत, दो आयतें सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला वाली आयत और कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क से बग़ैर हिसाब इन तक 26-27 नंबर, दो आयतें हर नमाज के बाद पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे, मरने के बाद जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और उसकी 70 हाजतें पूरी की जाएंगी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सबसे कम दर्जे की हाजत यह है कि उसकी बख्शिश कर दी जाएगी, सारे मसले हल हो गए। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, शहीद अल्लाह, गवाही दी अल्लाह ने, किस बात की गवाही दी, अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये अल्लाह की गवाही। कैसे गवाही दी, कुतुब साबका के जरिए, कुतुब समावी के जरिए, आसमानी किताबों में अल्लाह ताला ने इस बात की गवाही दी। वल मलाइकातु और फरिश्तों ने अपनी तस्बीह तकदीस के जरिए, वो गवाह हैं सारी कायनात के उमूर के, वो उन्हीं के जरिए से अंजाम पाते हैं, उन्होंने भी गवाही दी। और कितनी बड़ी फजीलत है अहले इल्म के लिए कि अल्लाह ताला ने अपनी गवाही के साथ और फरिश्तों की गवाही के साथ अहले इल्म की गवाही को शामिल किया, व उलुल इल्मी और इल्म वालों की गवाही, बहुत बड़ा दर्जा है। कितनी बड़ी बात कह दी अल्लाह ताला ने कि अल्लाह गवाही दी देता है, फरिश्ते गवाही देते हैं और इल्म वाले गवाही देते हैं, कि अल्लाह ताला ने इस मामले में उलमाए किराम को फरिश्तों के साथ और ख़ुद अपनी ज़ात के साथ शामिल फरमाया। कहीं कोई बात हो रही हो और कोई बड़ा आदमी बैठे हो कहे कि मैं गवाह हूँ और ये गवाह है, और ये जाहिर बात है कि वो जिन लोगों को अपने साथ शामिल करेगा तो कोई बड़े लोग ही होंगे, किसी बड़े के साथ छोटे की बैठने की क्या मजाल। क़ाइमन बिल क़िस्त, हाकिम है इंसाफ का, क़ाइमन क़ाइम है बिल क़िस्त इंसाफ पर, हाकिम है इंसाफ का, फिर तकरार के साथ फिर वही बात, ताकीद लाने के लिए, ताकीद पैदा करने के, ला इलाहा इल्ला, नहीं कोई माबूद मगर हुआ वही, अल अज़ीज़ ग़ालिब है, अल हकीम हिकमत वाला है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सारी दुनिया के माबूदान बातिल हैं, इसीलिए माबूदान बातला कहलाते हैं, और दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ एक है, इस्लाम, इन्नत दीन इंद अल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, इन्नत दीना, बेशक दीन इंद अल्लाही, अल्लाह के नज़दीक अल इस्लामु, इस्लाम है। बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आती, वो ये कहते हैं कि फ्रांस में आपको मस्जिद बनाने दी जाए तो आप बड़े खुश होते हैं कि फ्रांस के अंदर हमारी मस्जिद बन रही है, पेरिस में, दारुल खिलाफा में,
आपको कोई न्यूयॉर्क में अगर मस्जिद बनाने दे, आप बड़े खुश होते हैं। कनाडा में आपको मस्जिद बनाने की, जब बड़े खुश होते हैं। और जब आपसे कोई ये कहे कि मंदिर बनाओ फैसल इस्लामाबाद में, तो आप बड़े गुस्से में आ जाते हैं। सारी दुनिया में आप मस्जिद बनाना चाहते हो, और किसी की मस्जिद अपने मुल्क में, किसी की मंदिर और इबादतगाह अपने दारुल खिलाफा में नहीं बनने देना चाहते। अगर किसी मुसलमान के सामने कहा जाए वाशिंगटन के अंदर मस्जिद बनी है माशाल्लाह इतनी बड़ी, सुबहान अल्लाह, कितने खुश होंगे। और अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने मंदिर बन रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक दीन महज एक ही है, और वो इस्लाम है। ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसको यूं समझें कि एक आदमी आपसे ये कहता है कि मैं आपके स्कूल में रियाजी पढ़ाना चाहता हूं, और वो इस बात को कहता है, उसका इल्म ऐसा है रियाजी का कि वो कहता है 2 और 2 6 होते हैं, 3 और 3 8 होते हैं, 4 और 4 10 होते हैं, 10 में से 5 निकालें तो बाकी 2 रह जाते हैं, 18 में से 9 निकालें तो बाकी 3 बच जाते हैं। ये उसका इल्म है। अब क्या आप उसे अपने स्कूल में टीचर रख लेंगी? आपको पता है कि एक आदमी का इल्म ठीक नहीं है, सारी दुनिया भी सिफारिश करे कि आप इससे रियाजी पढ़वाएं, आप कहेंगे भाई से कुछ आता जाता ही नहीं है, ये तो गुमराह करेगा बच्चों को, गलत पढ़ाएगा। वो आपसे ये कहता है कि मेरा भी एक स्कूल है, आप उसमें पढ़ाएं, और आप उसके स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, 20 में से 10 निकाले तो 10 बच जाते हैं, 5 को 5 के साथ 10 दें तो 25 हो जाते हैं, आप ठीक पढ़ा रही हैं। अब अगर वो ये कहे कि मैं तो इसको अपने स्कूल में पढ़ाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन ये मुझे अपने स्कूल में पढ़ाने की इजाज़त नहीं देता, तो क्या इस वजह से आप उसे इजाज़त देंगे कि चूंकि वो भी इजाज़त दे रहा है? नहीं देंगे, क्योंकि उसका इल्म ठीक नहीं है। सारी दुनिया के काफिरों का जब दीन ही ठीक नहीं है, तो हम उनको इस्लामाबाद में मंदिर कैसे बनाने दें, कैसे उनको अपनी इबादतगाह बनाने दें? उनका दीन ही ठीक नहीं है, वो गुमराही फैलाएंगे, बंदगाने खुदा को जन्नत से बचा के जहन्नम में लेके जाएंगे, तो उनको कैसे इजाजत दे दी जाए? वो तो वो लोग हैं जो 2 और 2 को 6 पढ़ाना चाहते हैं, जो 20 में से 10 निकालते हैं तो कहते हैं कि बाकी 4 रह जाते हैं, कैसे इजाजत दी जा सकती है उनको? बिल्कुल बेवकूफाना बातें हैं, कहते हैं वो इजाजत देते हैं, तुम इजाजत क्यों नहीं देते हो? इस्लाम ने सिर्फ इतनी इजाजत दी है कि पहले से जो बना हुआ है बस वो ठीक है, उनके इजाजत, ये नहीं कि उनके फैलाव की भी इजाजत दे दी जाए। अब रही बात यह कि फिर तो उनको भी ख़त्म कर देना चाहिए, अगर 2 और 2 4 पढ़ा रहे हैं, 4 नहीं पढ़ा रहे 6 पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, तो फिर तो पहलों को भी ख़त्म कर देना चाहिए। पहलों को इसलिए ख़त्म नहीं कर दे, उसकी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी स्कूल में 2 और 2 6 नहीं पढ़ा रहा, बल्कि अपने दिमाग में सोच रहा है 2 और 2 8 होता है, 10 में से 5 निकालें तो 2 बच जाते हैं, दिमाग भी घुमा रहा है तो घुमाता रहे, हमें उससे क्या गरज, रात दिन लगा रहे। तो जब वो अपने घरों के अंदर पहले से बने हुए इबादत खानों में इबादत करते, तो अपने दिमाग में गुमराही घुमा रहे, घुमाते रहे, हमें कोई गरज नहीं। इतनी सी मोटी सी बात इन साइंसदानों की अकल में नहीं आती है, जो फवाद चौधरी जैसे साइंसदान है ना पाकिस्तान में, जहां कहीं दीन की बात आए सबसे पहले तकलीफ इस आदमी को होती, ना नमाज का ना रोजे का। ये सारे गैर मुस्लिमों का अकेला वाहिद नुमाइंदा बना हुआ पाकिस्तान में,
मजहब के नाम पे कोई बात हो जाए इसको बड़ी तकलीफ होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक गल सड़ जाता है। सारी बदबख्तियां इसने अपने हिस्से में ली हुई हैं। दलीलें देते हैं कि वो बनाने देते हैं, तुम क्यों नहीं बनाने देते, तुम किसी ऐसे आदमी को अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाने दोगे जो ऐसे पढ़ाएगा? हाँ दिमाग में घुमाता रहे जो मर्जी, ठीक है। इन दीन इन दल्लाह इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, हर जमाने में इस्लाम रहा है, उस जमाने का बरहक दीन होता था। इस वक्त जो इस्लाम है वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, इसके अलावा सब कुछ मनसूख। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया मूसा अलैहि सलाम भी दुनिया में आ जाए तो मेरी इत्तिबा किए बगैर नजात ना पा सकेंगे। मूसा अलैहि सलाम जैसे जलील कदर पैगंबर भी दुनिया में आ जाए, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करेंगे जन्नत में नहीं जा सकते। दीन सारे अंबिया का एक था, शरीयतें मुख्तलिफ थी। दीन क्या है? ईमानियात, अल्लाह की वहदानियत, वक्त के पैगंबर को रसूल मानना, मरने के बाद दोबारा जिंदगी, अच्छी बुरी तकदीर, जन्नत जहन्नम, पुल सिरात, फरिश्ते, ये सारा जो दीन है ये एक ही रहा हमेशा से। हाँ शरीयतें बदलती रही, कवानीन बदलते रहे, फुरूई मसाइल में तब्दीली होती रही। तो इस वक्त जो दीन इस्लाम है वही बरहक है। बस दीन की मिसाल ऐसे जैसे इंसान का जिस्म, और शरीयत की मिसाल ऐसे जैसे इंसान का लिबास। जिस्म एक ही रहता है, लिबास बदलता रहता है। दीन एक ही रहा सारे पैगंबरों का, लिबास बदलता रहा, शरीयत बदलती रही। वमख्तलफ अल्लदीना, और इख्तलाफ नहीं किया उन लोगों ने, उतुल किताब, जिनको किताब दी गई, यहूद नसारा, इख्तलाफ नहीं किया उन लोगों ने जिनको किताब दी गई, इल्ला मगर, मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म, बाद इसके के आ गया उनके पास इल्म, इल्म आने के बाद। ऐसे नहीं कि धोखे में मारे गए, इल्म आ चुका, हकीकत सामने आ चुकी, उसके बाद उन्होंने मुखालफत की, और क्यों की उसकी वजह भी बता दी, बगयम बैनहुम, आपस की जिद की वजह से, हसद की वजह से। जो बुग्ज था, जो हसद था, और जो जिद पाई जाती थी, वो जो अनाओं के बुत पाल रखे थे उनकी वजह से। वमन यकफुर भी आयातिल्लाह, और जो इनकार करे अल्लाह की आयतों का, फइन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। कितने दिन इनकार चलेगा, कितने दिन कोताही चलेगी, ये कुफ्र, ये शिर्क, ये जिद, ये इनाद, ये अनानियत, आखिर कब तक? मौत का फरिश्ता आएगा और सब कुछ ख़त्म। आगे अल्लाह ताला एक बात फरमा रहे हैं, फ़ाइन हाजू का, फिर अगर ये आपसे झगड़ें, अगर हक को नहीं मान रहे, आमादाए तस्लीम और रजा नहीं है, कबूलियत हक के लिए आमादा नहीं है, तो आप इनसे कह दें, फ़ाइन हाजू का, अगर ये आपसे झगड़ते हैं, फकुल, तो आप कह दें, असलम तो, मैंने झुका दिया, वजहिया, अपना चेहरा ताबे कर दिया, झुका दिया अपना चेहरा, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, वमन तबान, और उसने भी जिसने मेरी पैरवी की। आप इनसे कह दें, मैं और मेरे पैरोकार सब अल्लाह के सामने झुक गए, हमने अल्लाह के दीन को तस्लीम कर लिया। गर्दन निहादन, इस्लाम का मतलब गर्दन झुका देना, कहते मैंने और मेरे मानने वालों ने तो अल्लाह के हुक्म के सामने गर्दन झुका दी है। इनसे कह दें, वकुल, और कह दें, लिल्लदीना, उनसे, ऊतुल किताब, जिनको किताब दी गई, पहले खुद फकुल आप कहें,
हुजूर को हुक्म है, आप कहें कि मैंने गर्दन झुका दी, मैंने फर्मा बरदारी इख्तियार की, मैं ताबे हो गया, मैंने झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए और उसने भी जिसने मेरी पैरवी की। अब यही बात इन लोगों को बताएं, वकुल लिल्लदीना, और कह दें उनसे ओतुल किताब, जिनको किताब दी गई, बल उम्मीयीन, और ये अनपढ़ लोग मुशरिकीन मक्का, इनसे भी कह दें क्या असलम तुम, क्या तुम भी ताबे फरमा बरदार हुए, असलम तुम, क्या तुमने गर्दन झुका दी। फ़ाइन असलमो, अगर ये इस्लाम ले आए, अगर ये फरमा बरदारी करें, फ़कद इहतदौ, तो तहकीक इन्होंने हिदायत पाली, बस तहकीक ये हिदायत याफ्ता हुए। व इन तवल्लौ, और अगर रू गर्दानी की, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो बेशक आप पर है महज पहुंचा देना, फ़इन्नमा, सिवाय इसके कोई बात नहीं, अली का आप पर है अलबलाग, पहुंचा देना। इसलिए हर दीन की बात करने वाला आखिर में कहता है वमा अलैना इल्लल बलाग, नहीं है हमारे जिम्मे मगर पहुंचा देना, वाज़े तौर पर हमारे जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है, नहीं। और अगर ये रोगर्दानी करें फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो नहीं, बेशक आप